सेकंड सिविल फर्स्ट ईयर में सेकंड शिफ्ट के बच्चे, आप लोगों को आज बीम के बारे में पढ़ा जा रहा है। एंड सेक्शन और उसका क्रॉस सेक्शन आपको बनाना है, क्वेश्चन दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको एल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन बनाना है। जो वाई डाटा आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप देखेंगे इसको, तो आपको पहले भी भेज रखा था, वैसे ही होता बीम शॉर्ट आउट करके आपको बीम बनाना जो डाटा दे रखा है उसमें क्या है, एक आरसीसी बीम का एल सेक्शन किसी उचित मापक पर खींचे, किसी उचित मापक पर के खींचे, निम्नलिखित विशेषताएं मान के जो नीचे दे रखी है आपको उसी को डाटा को लिखते हुए आपको बनाना बीम को, उसकी संरचना करनी है। बीम का जो क्लियर स्पेस है, जो दो वाहन के बीच इधर वाल है इधर वाल है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको हम क्या कहते हैं, क्लियर स्पेस कहते हैं। उसकी दूरी दे रखी है कितनी, 4 मीटर, ठीक। और बीम की माप जो है वो 22x23, 22 उसकी क्या है चौड़ान है और 30 सेंटीमीटर उसकी क्या है डेप्थ। जब भी ये बीम की ऊंची क्या होती है, डेप्थ क्या होती है, ज्यादा होती है। और बीम में टेंशनदार शेयर के लिए उचित मतलब के लिए निम्नलिखित पता भी चीज है, निम्नलिखित माप दी गई है, जो आपको बीम बनानी है उसके लिए टेंशन तथा शियर के लिए जो माप है वो आपको क्या है नीचे दी गई है। वो क्या कह रहा है, उचित को आपको जांच कितना है, क्लियर कवर एक को आपको दे रखा है, उसने क्या कहा बीम की साइड दे रखी है, बीम और उसका क्लियर स्पेन आपको दे रखा है, और क्लियर कवर आपको दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर। जो हमारी बीम पड़ेगी उसकी मतलब बीम की बेस और गियर फोर्स के बीच की जो दूरी रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, कवर बोलते हैं। क्लियर कवर वो आपको कितना दे रखा है, 2.5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो 2.5 सेंटीमीटर ये हमारा क्या है, क्लियर कवर है। मेन बार आपकी 3 नंबर है, 3 नंबर है 20 mm डाया की है, और बेंडर बार आपकी 2 नंबर है, वो अभी हमारी कितनी है, मेन बार 3 नंबर 20 mm गया, डेंटा 2 नंबर ये भी आपकी 20 mm गया की, मतलब मेन बार के साथ ही हमारी क्या कर रखी है, डेंटा बार भी डाल रखी है उसके ऊपर आधार करके हमने नीचे ही हमने क्या कर रखी है, पहले 5 छड़ है, 3 और प्लस ये 2 5 छड़ हैं, 5 में से हमने 2 को क्या कर रखा है, पेंटअप कर रखा है, ये लिखिए सेकंड ईयर में नहीं डाल रखा है, उसी में हमने क्या कर रखा है कि 5 हमने दे रखी है, उसी में से 2 को क्या कर रखा है, पेंटअप कर रखा है, ठीक। और उनका डायर जो है वो कितना दे रखा है, 20 mm का है, एक बार 3 है और एक ये क्या पेंटअप बार 2 है, ये 5 इनका जो डायर है वो कितना है, 20 mm का है, ठीक है। और एंकर बार उसकी माप क्या दे रखी है, 2 नंबर है और 12 mm डाया है। एंकर बार की माप कितनी है, 12 mm डाया के हैं, क्या नंबर है, 2 नंबर है। और स्ट्रिप बार जो है 6 mm डाया सेंटर टू सेंटर अप टू 50 cm फ्रॉम सपोर्ट, इसका मतलब जो हमारे स्ट्रिप्स पड़े हुए हैं, जो हमारी जो वाल है वाल से जो सपोर्टिंग है हमारा वाल का यहाँ पर जो है, इससे 50 सेंटीमीटर की दूरी तक उन स्ट्रिप्स की जो दूरी है वो कह रहा कितना है, 10 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, ऐसे इस किनारे और ऐसे ही उस किनारे से हमारा क्या है, इसकी जो दूरी कह रहा है स्ट्रिप्स की उनकी दूरी कह रहा है 10 सेंटीमीटर मान लीजिए, और बाकी जो बीच की जो दूरी बची है उसको क्या कह रहा है, उसकी दूरी 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर मान लीजिए, ठीक। ये आपको दे रखा है मिडिल पोर्शन में आपको जो है, तो इसको जहाँ से पढ़ लिए बीम का क्लियर स्पैन है 4 मीटर, बीम की माप है 22x30 सेंटीमीटर, बीम का क्या है बियरिंग 20 सेंटीमीटर, वाल की मोटाई 20 सेंटीमीटर, तो बीम का जो हमारा क्या है चढ़ा हुआ कितना है 20 सेंटीमीटर। आपको क्लियर स्पैन दे रखा है तो इसमें आप इफेक्टिव स्पैन निकाल सकते हैं। इफेक्टिव स्पैन का मतलब क्या होगा, जो बियरिंग हमारा जो चढ़ाव है 4 मीटर हमारी दूरी क्या है स्पैन है, तो 20 सेंटीमीटर दिया गया तो 20 और 20 को इफेक्टिव तुम्हारा कितना होगा, इफेक्टिव स्पैन हो जाएगा 4.4 मीटर, ठीक। 20 सेंटीमीटर ये 20 सेंटीमीटर है क्लियर स्पैन में जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इफेक्टिव स्पैन कितना हो जाएगा 4.4
अगली आप देखेंगे इधर वाल है, इधर वाल है, इसमें आपने क्या कर रखी है, ऐसे बीम दे रखी है। उस बीम की गहराई कितनी है, 30 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करा, कवर छोड़ने के बाद नीचे आपने कितनी पास डाली है, 5 है, 5 में तो 2 एंकर है और 3 के यहाँ की मेन है और उनका डाया कितना है 20 एमएम है, ठीक। और ऊपर जो हमारी पड़ी है कवर के बाद, कवर छोड़ने के बाद नीचे जो ऊपर टॉप पर पड़ी है वो पड़ी हमारी एंकर बार, वो क्या नंबर है, 2 नंबर है। तो जब बी पड़ी है तो उसको आप क्या करेंगे, एल सेक्शन में काटेंगे, क्या करेंगे, एल सेक्शन में काटेंगे। तो आपको क्या निकालेंगे, इधर वाल है, वाल में ये सपोर्टिंग है, कितना है ये 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। तो ये जो आपको छड़ दिखाई दे रही है ये यहाँ पर लिखा है मेन बार 3 नंबर 20 में गया और 2 नंबर क्या है हमारे बेंटर बार, मतलब 3 और 2 5 ये है। तो इसका मतलब इसका डाय कितना है 22 सेंटीमीटर। और ऊपर ये हमारी ये पड़ी है एंकर बार, तो एंकर बार कितना है, ये हमारा जो है 2 नंबर है, कितना डाय है इसका 12 एमएम है। तो ऊपर की ये बार जो हमारी एंकर बार और बटा 2 नंबर है और जो नीचे से हमारी बेंटर की सर्किट है ये बेंटर बार है, इसका भी कितना डाय है 20 एमएम है, ये क्या नंबर है, बेंटर बार 2 नंबर है, कितने हैं 2 नंबर, ठीक। और ये हमारा क्या बीम के कारण 2.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर की हमारा क्या है कवर आया, कवर आया, कवर आपको ही छोड़ना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर कवर, इसको कहेंगे कि लिया 2.5 सेंटीमीटर क्लियर कवर, क्या बोलेंगे इसको 2.5 सेंटीमीटर क्लियर कवर, ठीक। अब स्टिप तो ये आपको मतलब मेरे सामने वाले दिखाते हैं उसी के पीछे छड़ा होगी, घटते ही आप एल सेक्शन काटेंगे सेक्शन एलिवेशन जब देखें तो क्या होगा, नीचे की छड़ दिखेगी ऊपर भी दिखेगी, अब उसके पीछे वाले को नहीं दिखेंगे, इसकी वजह से छुप जाएगी, ठीक। तो बेंटर पर तो आपको इसकी बेंटर दिखाई दे रही, इधर से बेंटर दिखाई दे रही है, तो वो चीज आप ये है वो ये है, ठीक। फिक्स पॉइंट से आपका वो कहना 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर की दूरी लीजिए और इन जो स्ट्रिप्स है इनकी दूरी कितनी रखनी है आपको 10 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर दूरी ये रखनी है, ठीक है, इस किनारे भी और इस किनारे भी, इनकी इसका डायग कितना है वो आप ऊपर लिख कर दे रखा है कि इसका डायग कितना है, ठीक। और जो बीच की स्पेस है उसमें जो स्ट्रिप्स आप देंगे उसकी माप कितनी रखनी है, आपस की दूरी कितनी रखनी है सेंटर टू सेंटर 20 सेंटीमीटर, ठीक। जब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको इंडिकेट जो दे रखा है वो क्लियर दिखाना है 30 सेंटीमीटर मेरी क्या है, तो इसका मतलब हम एल सेक्शन में काटेंगे तो हमारा क्या होगा, लंबाई दिखाई देगी और उसकी डेप्थ दिखाई देगी, दो बात दिखाई देंगे, ठीक है। और जो रिइंफोर्समेंट है उसको दिखाएंगे और उसको इंडिकेट करके लिख देंगे। तो इस टाइप से हमारा क्या बनता है, एल सेक्शन में काटा, ये वाल हो जाएगी, इस वाल से इस वाल की दूरी एक क्लियर स्पेयर है, ठीक। ये क्लियर एक चढ़ाव है 20 सेंटीमीटर, वाल की ऊंचाई कितनी है 20 सेंटीमीटर और थिकनेस कितनी है 30 सेंटीमीटर और लंबाई टोटल क्लियर स्पेयर 4 मीटर और इफेक्टिव स्पेयर कितना हो गया 4.4 मीटर, ठीक है। तो इस टाइप से हमने क्या किया, इसका एल सेक्शन बनाया। अब इस एल सेक्शन के बाद आपको क्या करना है, उसने कहता है कि दो सेक्शन आप काटेंगे, एक सेक्शन आपने ये काटा है एल सेक्शन है, ये बीम है, इसको मैंने ऐसे काटा तो इस साइड से आप देखते हैं तो अब इससे क्लियर हो जाएगा कि नीचे कितनी छड़ें पड़ी ऊपर कितनी छड़ी पड़ी, ठीक। तो मैंने इसको ऐसे काटा तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 छड़ें पड़ी, ऐसे कटेगी 5 से 2 घंटे चलेगी, लेकिन अब भी इस पोर्शन से जब काटेंगे तो इधर से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 पोर्शन दिखाई देगा आपको, जो तो वो पोर्शन आपका कहाँ है, ये 1 2 3 4 और ये कितना है, ये 5। जब यहाँ से काटेंगे आप अच्छे नीचे ये गहरा मिल जाएगी तो आप कितनी दूर ले लीजिए, ये कह नंबर थे 3 ये है 2 ये है 5 दिखा दे रही, अगर हमारा ये ऊपर होता तो ऊपर ऊपर नहीं दे रखा, हम ये 5 इसी पोर्शन पर है, ठीक। तो 5 हमको यहाँ पर दिखाई दे, इसमें आप इंडिकेट भी कर सकते हैं कि ये जितने डायरेक्टर है जितने मन डायरेक्टर है वो जो इंडिकेट करता उसको यहाँ पर भी आप, ठीक। और ऊपर
ऊपर जब देखेंगे तो इसका मतलब ये क्या है, नीचे पांच ऊपर कितनी दिखा देगी, दो, तो दो दिखा देगी, तो ये एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, तो एक नंबर ये है, इसको इंडिकेट करेंगे जैसे करके लेके जाएंगे, कैमन डायरेक्टिंग है, सिटी नंबर डायरेक्टिंग टू नंबर, ठीक, वो भी नंबर आपको दिया होगा क्वेश्चन के, आपको क्लियर करके उसको क्या करना है दिखाना है, तो ये सेक्शन ए हो जाएगा, ये सेक्शन क्या था, ए, ए सेक्शन, ये ए सेक्शन है, ठीक है, यहां से काटा तो हमको साइड से ये चीज है, अब ऐसे ही हम जब एंटर हो करके इस बार ऊपर आ जाएगी, मतलब इसकी जो है अब हम इस यहां पर तो काट, तो ऊपर ऑलरेडी मेरी वो क्या थी, एंकर बार थी, और दो मेरी यहाँ से कहाँ से आ जाएगी, नीचे से गेंटअप होकर के ऊपर पहुंच गई है, तो हमारी यहाँ पर जब काटेंगे तो नीचे से तो दो छूट जाएंगी, लेकिन ऊपर हमको कितनी दिखा देगी, दो एंकर हो जाएगी और प्लस दो हमारी बुक हो जाएगी, तो गेंटअप बार होकर के ऊपर आई है, ठीक, ये सीधेगी, तो यहाँ से दूसरी वाली क्या थी, इस पोजिशन से आ करके यहाँ से क्या होगी, गेंटअप होगी, ऐसे करके क्या होगी, गेंटअप होगी, ठीक, तो दो ऊपर चलेगी, दो ऑलरेडी ऊपर थी, तो ऊपर कितनी हो जाएगी, अब चार, एक दो तीन चार, और नीचे हो जाएगी एक दो तीन, इसका मतलब सेक्शन वाई वाई पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे जा रहा है कि तीन बार रह जाएंगे, वही एम एम ट्रैक की है, ये हमारे कितने ट्वेंटी एम एम ट्रैक की है, ऊपर दो हमारी ये किनारे वाले दो एंकर, सॉरी एंकर है, इसका ट्रैक कितना है, वो लिखेंगे, लेकिन जो नीचे से आया उसका 20 है, तो ये उसको क्या लिखेंगे, 20 एमएम का आया है, तो ये चेक किधर हो जाएगा ना, ये ऊपर जो 16 एमएम है कितनी, और नीचे से जो हमारी आई वो कितनी हो जाएगी, 20 एमएम, ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या काटा, एक ये वाली एक एक्स एक्स सेक्शन काटा, एक ए सेक्शन काटा, तो इस टाइप से आपको क्रॉस साइड से कैसे दिख रहा है, ठीक है, तो ये मेरा एल सेक्शन हो गया, और ये मेरा क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन, इसको क्लियर समझने के लिए आप और वो कर सकते हैं कि बॉटम में छड़े कैसे पड़े, क्योंकि ये तो हमने एल सेक्शन काटा, तो बॉटम को उसको समझने के लिए हमने यहाँ पर बना रखा, यहाँ पर क्या रखा, बॉटम प्लान और क्या बना रखा, टॉप, इसका मतलब क्या है कि देखिए पांच छड़े थी, एक ये पूरी गई है, दूसरी वाले को हमने बेंटर कर दिया, तो बेंटर का जब बॉटम प्लान की बात करो, तो बॉटम प्लान में देख रहा हूं, तो इसका मतलब नीचे जो चीज है वो तो फर्म दिखा देगी, जो बेंटर होकर के ऊपर चलेगी, तो वो यहां पर हमने इसको इस कॉर्नर पर हमने क्या कर दिया, किनारे को उसको डॉटेड क्या कर दिया, डॉटेड कर दिया, फिर बार ये पूरी दिखा देगी, फिर अल्टरनेट हमारी क्या थी, जो नीचे से ऊपर आएगा उसको डॉटेड कर दिया दोनों किनारे पर, और जो नीचे है दिख रही है उसको हमने क्या कर दिया, ऊपर, ऐसे किनारे वाली हमारी क्या हो जाएगी, फर्म, मतलब कहने का अर्थ क्या है कि बॉटम प्लान में आपका बॉटम से दो छड़ एंकर ऊपर आप ऊपर आ गई बेंटर हो करके, तो वो चीज उसको हमने डॉटेड कर दिया, और बाकी बॉटम में रहेगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो फर्म हो जाएगा, तो ये हमारा क्या है, बॉटम प्लान, और इसको क्लियर करिए यहाँ पर, ये टॉप प्लान, तो टॉप प्लान में आपका क्या होगा, दो एंकर थी, ये फर्म होगी, ये फर्म होगी, अब बॉटम से जो ऊपर पहुंची हमारे एंकर, ये किनारे पे किनारे पे ये किनारे पे हमारे क्या हो जाएगी, फर्म हो जाएगी, बीच में हमारी क्या हो जाएगी, डॉटेड, और एक नीचे से बेंट अप नहीं, तो हमारे क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वो डॉटेड हो जाएगी, ठीक, तो इस टाइप से हमारा इसको नीचे रखे, इसको ऊपर रखे, अब हमने इसको काटा, तो वही चीज काट रहे हैं, तो ये हमारा क्या बना, ये साइड बना, ये साइड बना, ठीक, अब देखिए ये नीचे है, माने से आप ये काटा, तो इसका मतलब ये ऐसे काट रहे हैं साइड से देखा, तो एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, ये देखिए, और इसी चीज को आप यहाँ पर ये मानते चले कि यूं काटता हूं, तो ये क्या आ जाएगा, टॉप है ना, तो ये ऊपर एक दो, ठीक, एक और दो, अब हमने यहाँ पर काटा, हमने यहाँ पर काटा, तो नीचे एक दो तीन, एक दो तीन, ऊपर कितनी हो जाएगी, एक दो तीन चार, ठीक है, तो इसके हमारी एक दो तीन चार ऊपर हो जाएगी, तीन नीचे हो जाएगी, ठीक, और इस वाले दूसरा वाला बीच, इस वाले बीच में काट रहे हैं, हमारी चार पांच नीचे हैं, दो क्या है ऑलरेडी क्या ऊपर है, तो कह सकता है कि इसका एल सेक्शन क्रॉस सेक्शन या टॉप प्लान या बॉटम प्लान बना करके, तो आपको ये चीजें पूरी करके इंडिकेट करके, ठीक है, तो इस टाइप से हमारे
आपको डिटेल दिए रहेंगे, और बाय दे सपोज वो आपको नहीं देता तो क्लियरेंस पे दे देगा, बीच में माप चौड़ाई गहरा ये दे देगा, और उसके लिए आप उचित एनफोर्समेंट व्यवस्था आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ताकि वो आपसे समझ सकता है कि कितना आपको मतलब की चीज इनको आता है, बाकी वो जो चीज दे रखी तो उसके अकॉर्डिंग आप बनाए जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे क्या है कि इस बार और इस बार हमने एक चीज दे रखी है तो हमारा क्या बना ये सेक्शन ऐसे काटा का क्रॉस सेक्शन, तो इस टाइप से आपको क्या करना है ये, ठीक है। इसी के बाद नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे उसमें क्या है तो टीम, तो ये अभी जो भी हमारी है कि ये सिंपली जैसे बीम है तो इसमें क्या है इधर वाल है ठीक, और ये बीम है तो ऊपर से क्या पड़ी है स्लैब पड़ी हुई, ठीक है, मतलब बीम अलग है स्लैब इसके ऊपर से पड़ी हुई है। टी बीम में क्या होता है जो हमारी बीम पड़ी हुई है और इसके ऊपर से जो स्लैब है तो बीम का जो टॉप के हमारे पास पड़ते हैं वो और स्लैब के ये दोनों मिलाकर के इंक्लूड एक साथ, ठीक है। तो उस टाइप का क्वेश्चन जब आपको फिर कराएंगे तो उसकी शेप भी हमारे टी टाइप की क्या अगर इसका क्रॉस अगर आप बनाएंगे ये जो भी आपको दे रखा है नीचे मान लो सपोज ये दिया है इसकी है ये स्लैब की भी है लेकिन ये जैसे इसमें आपने देखा ना मतलब नीचे ये हमारा क्रॉस काट रही सिर्फ बीम का है, ये हमारे क्या है ये स्लैब है और ये नीचे बीम है, लेकिन इसका बीम का जो पोर्शन ये इतना तो लटकन नीचे है और इतना हमारा क्या स्लैब है, तो इसका मतलब ये पोर्शन हमारा क्या है बीम और स्लैब दोनों का यहां पर क्या रहता है जब सब रहता है दोनों मिले रहते हैं, ठीक है। तो इस पोर्शन में ये हमारे क्या जाएगी जो धूप की जो छड़े पड़ी ये पड़ेगी आपकी तरह ये पड़ी डिस्टेंस पोर्शन ये पड़ी बी पर ये टॉप का है ये क्या बॉटम जो भी नंबर के लिए तब दे आपको, ठीक। और इसके बाद ये धूप बना के ऐसे जा करके ऐसे धूप खा ले जाएगी क्योंकि आगे भी बीम होगी ये वाला जो धूप है तो ऐसे जा करके आगे उतर जाएगी और ये यहाँ से आकर के ये आगे जाने के बाद नीचे आती है पानी जाएगी, ठीक। और ऐसे ही जो ये धूप होता है इस पर एक बार आगे करें तो आगे जाने के बाद इसका इधर को मतलब नीचे भी नीचे आ जाती है आगे बढ़ेगी, इसका भी डिटेल हम जब सवाल में करेंगे, ठीक है। इस वाले का डिटेल जो है जब से अभी आपको सबसे पहले इस चीज को बनाना है, ठीक। और ऐसे ही आपको समझना थोड़ा आपको भी देखेगा मतलब बीच में जो नया आपको सिलेबस में आया है तो बीम का या ऐसे लेंटर का होगा तो लेंटर का वजन का लेंटर तो हमारा नीचे कितनी देर ऊपर कितनी देर है उसके रहेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आप उसको बनाएंगे इसके बाद नेक्स्ट आपको टी बीम पढ़ा देंगे, ठीक है। टी बीम हो जाएगी उसके बाद आपके कॉलम आते हैं, कॉलम है आपको जैसे भेजा भी था आपको उसको भी आप लोग देखते रहिए, ठीक। किताबें भी देखिए मतलब बीच जो है कॉलम का आएगा स्क्वायर कॉलम है राउंड कॉलम है बेस आपका स्क्वायर हो सकता है कॉलम राउंड हो सकता है, ठीक। और बेस सर्कुलर हो सकता है कॉलम क्या हो सकता है आपका स्क्वायर हो सकता है, तो इस टाइप से आपको उसको ही पढ़िए जिसके भी क्वेश्चन लगा के आपको इसमें डाल दिया जाएगा, ठीक है। और इसको ध्यान होगा पढ़िए समझ जाएगी कोई दिक्कत होगा आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक। ओके थैंक्स। बंद कर देना नीचे ऊपर
खाता बंद करो ये यहाँ पर, ये हो गया बंद करो, बंद करो लाल वाला, हाँ पॉज कर दीजिए।